बॉस वो इतने आइटू है जो पीछे पीछे चली आई है। ओह नो बॉस, मेरे पास तो मोबाइल था नहीं, मेरा तो जुगाड़ हो गया। लकड़ी आ गई है, अब कटेगी भी, बिरयानी बनेगी, हम सब में बटेगी। मैं देख, रुक जाओ। जब कैब ड्राइवर वाले ने मेरे हाथ नहीं लगाया, उसके मैंने पूरे 23 थप्पड़ मारे, तो सोच मैं तेरा क्या हाल करूंगी। अबे तेरी तो लड़की के गले पे हाथ डालता है। स्टील गर्ल, कालू सबसे ज्यादा तुझे मारूंगी। तुम भी स्टील गर्ल हो तो मैं भी ब्लैक बॉय हूं, समझी? लखनऊ वायरल गर्ल का मैजिक देखो तुम लोग। इसका सामान दो यार, बहुत मार रही है हमको। नमस्कार, मैं प्रेम कुमार। आज हम मौजूद हैं प्रियदर्शनी जी के साथ, वही प्रियदर्शनी जिनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनका आरोप है कि एक पत्रकार ने इनको कंबल उड़ा के तसले से मारा। oh, no. तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, मैं तुम मीडिया वालों से बहुत आजिज आ चुकी हूँ। एक नीरज चोपड़ा डंडा फेंकते हैं, उनको गोल्ड मेडल मिल जाता है। पिछले 15 दिनों से मैं इतनी लंबी लंबी फेंक रही हूँ, मुझे कोई मेडल नहीं मिला, पूछता है भारत। जी बहुत जल्द मिलेगा आपको मेडल। पहले आप ये बताइए कि इधर कुछ दिन पहले आप लखनऊ छोड़कर भाग गई थी। देखिए, मुझे उड़ना आता है, मुझे गाना गाना आता है, यहाँ तक मुझे नाचना भी आता है, दौड़ के गिरना आता है, गिर के उठना आता है, पर मुझे भागना नहीं आता है। आपको जिसने भी ये बताया है बिल्कुल गलत बताया है। मैम, आपके साथ ये घटना जिस जगह पर हुई है वह जगह आपके घर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या आप वहाँ पर पैदल ही टहलने गई थी? अब जाके तुमने एक सही सवाल पूछा है। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ, मैं करीबन 2 से 3 हज़ार किलोमीटर में सुबह डेली जॉगिंग के लिए निकलती हूँ। मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जो भी बोलती हैं उसको बोलने से पहले कुछ सोचते भी हैं या बस ऐसे ही बोल देते हैं? आप बहुत ही बदतमीज, बहुत ही नालायक किस्म के इंसान हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ एकदम सही बोल रही हूँ। ये आपके लिए पर्सनल बता रही हूँ, ये लोगों के लिए नहीं है। मैम, कैब ड्राइवर का एक वीडियो आया है जिसमें उसने बयान दिया है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगा। नमस्कार, मैं आपका अपना वरुण। हमारे बीच कैब ड्राइवर मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ उस दिन क्या हुआ था। सर, लोगों का कहना है कि उस दिन आपको गाड़ी नहीं रोकना चाहिए था, आपको ठोक देना चाहिए था, कोई बोल रहा है कि बम से उड़ा देना चाहिए था, इन चीज़ों के बीच आपका क्या कहना है? देखिए सर, वो लड़की थी इसलिए जो है मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, और अगर वो मुझे 23 की जगह 50 थप्पड़ भी मारती तब भी मैं कुछ ना करता, क्योंकि मेरे घर वालों ने ये नहीं सिखाया है किसी लड़की पर हाथ उठाना, तो इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं कहा उसको, और वो मुझे मारती रही, आसपास के लोग देखते रहे। फिर जो है पुलिस ने भी कुछ सपोर्ट नहीं किया, फिर उसके बाद में उसने हम ही को बंद कर दिया उठा के। लड़की होने का गलत फ़ायदा उठाया था, और अगर वहाँ पे हम उसको एक भी थप्पड़ मार देते तो फिर वहाँ पे जो आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो यहाँ पे सब लोग मेरा सपोर्ट कर रहे थे वो मेरा कोई सपोर्ट मत करता, उल्टा सब मुझे ही गलत बताते, तो इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं किया। मगर प्रियदर्शनी का ये कहना है कि आपका 400 से 500 लोगों का एक ग्रुप है जो उनके ऊपर हर समय अटैक करता है, और तो और उन्होंने ये कहा है कि करीबन 8 से 9 किलोमीटर आप उनको घसीटते हुए ले गए, उन्होंने वीडियो में अपनी चोट भी दिखाई है। प्रियदर्शनी का ये भी कहना है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत वो महिला है। देखिए, वो पागल बन के ना जो बचने की कोशिश कर रही हैं, और ये सब फालतू की बातें हैं, ये एकदम गलत है, ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया, और अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे, और कुछ नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कुछ लोग मरते हैं तो मरने दीजिए, ऐसे भी दुनिया में रोज डेली बहुत से लोग मरते हैं,
तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। उनका अपना है, सोचना है कि वो आत्महत्या कर लेंगे, कर लें, मुझे क्या करना। नहीं, आपको करना कुछ नहीं है। अब जो भी करेगी वो पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस ने अपना पूरा मन बना लिया आपके ऊपर केस करने का। क्या हेलो प्रियदर्शनी, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है, हो सके तो जल्दी से जल्दी भाग जाऊंगा। अरे देखो प्रियदर्शनी भाग रही है।